ऐसे भी जो कुछ हुआ उसे अब भूल जाएं। आपकी बेटी है, अब उसकी खातिर आपको माजी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। परी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है और परी की वजह से ही मैंने मेरे यार से समझौता किया था। आप एक बेटी के बाप हैं और मैं एक बेटी की माँ। हम दोनों एक दूसरे का दुख समझ सकते हैं और एक दूसरे का सहारा भी बन सकते हैं। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं? मेरा मतलब ये है कि जिंदगी के इस मोड़ पर हमारे हालात मुख्तलिफ हैं, मगर जिंदगी के इस सफर में आप भी अकेले हैं और मैं भी। हम दोनों की बेटियां एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हैं। हम दोनों एक नया घर बना सकते हैं, एक नई जिंदगी का सफर शुरू कर सकते हैं। क्या कह रही है? इसमें हर्ज ही क्या है शावेज? हम दोनों तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं, तो प्लीज प्लीज होरिया यहीं रुक जाएं। आप शायद होश में नहीं हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। आप आज नहीं तो कल किसी से शादी तो करेंगे ना, और मेरी बेटी आपकी बेटी से बहुत अटैच्ड है और आपसे भी। तो इसका मतलब ये है कि हम इस अटैचमेंट को गलत रंग दें? एक बात मैं आपको बता दूं, कुरुतुलैन ने मरते वक्त मुझसे यह वादा लिया था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो मैं चांदनी से शादी कर लूं। चांदनी? कुरुतुलैन का ख्याल था कि चांदनी एक बहुत अच्छी लड़की है, उसमें बहुत खूबियां हैं, वो हर लिहाज से आर्या का ख्याल रख सकती है, उसके लिए अच्छी माँ साबित हो सकती है। मगर चांदनी आपके साथ नहीं चल सकती। आपके और मेरे हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। उरिया प्लीज, हम इस बारे में आइंदा बात नहीं करेंगे, और आपके लिए भी बेहतर होगा कि इस टॉपिक को आइंदा आप कभी नहीं छेड़ेंगी।